गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी? सभी बच्चे अच्छी तरह से हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना ध्यान भी रख रहे हैं ना बेटा? ओके, वेरी गुड। तो बेटा आज क्या करने वाले हैं हम? आज यहाँ पर आपको मैं पोस्टर बनाना सिखाऊंगी और पोस्टर का टॉपिक क्या है? फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम बेटा। फ्रेंड्स, आज के क्लास में जो हम करने वाले हैं पोस्टर ड्राइंग यहाँ पर सीखेंगे, और टॉपिक क्या है हमारा? फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स से आप क्या समझते हैं बेटा? फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, है ना? तो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जिन देशभक्तों का हाथ है, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। और उसी में से एक फ्रीडम फाइटर हैं जिन्हें हम देश का बापू भी कहते हैं, गांधी जी। आप सभी बच्चे जानते हैं ना उनको, बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे, है ना? तो आज हम यहाँ पर बेटा पोस्टर में फ्रीडम फाइटर का जो हमारा टॉपिक है उसमें गांधी जी की ड्राइंग बनाएंगे पहले, और फिर उन पूरा कंपोजिशन तैयार करके अपना पोस्टर यहाँ पर तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर गांधी जी का पोस्टर बनाना बताऊँगी। सभी देखेंगे ध्यान से बेटा, ड्राइंग में थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे करना है। ऐसे आप सबसे पहले सर्कल लीजिए थोड़ा सा ऐसे, और ऐसे शेप लीजिए कान के लिए, और फिर यहाँ से ऐसे शोल्डर ले लीजिए, और यहाँ भी ऐसे करके हम क्या बना रहे हैं, ये जो गांधी जी का हम पिक्चर बना रहे हैं उसमें उन्होंने ये शॉल लिया हुआ है, वो ऐसे लाइंस हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है? और उसके बाद ऐसे ही जैसे हमने पिछली पिक्चर में फिंगर बनाई थी स्टिक के साथ, वैसे ही बना लेंगे। और ये हाथ में उनके जो स्टिक है, हमेशा वो अपने साथ रखते थे, वो बना लेंगे ऐसे। और अब इस कंपोजिशन में देखिए, आपको जो मेन चीज़ है वो हेड बनाना है बेटा। ये हम बैक साइड से पिक्चर बना रहे हैं उनकी, तो ये हेड बन गया, हेड के बाद ईयर, और उसके बाद ऐसे, और नेक के बाद बस ये बना देना है। और फिर इधर नीचे थोड़ा सा ऐसे आप दिखाएंगे, ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं। और नीचे फिर जो कंपोजिशन है उसको हम फ्लावर्स बना देंगे, फ्लावर्स बनाकर हम अपना कंपोजिशन पूरा करेंगे, ठीक है? तो ये ऐसे लेकर पिक्चर, आपको एक और बता रही हूँ इसलिए ताकि अगर आप कर सकते हैं बच्चे तो ये वाली पिक्चर भी आप बना सकते हैं। दो ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, दोनों में से जो गांधी जी आपसे बनते हैं, जो पिक्चर आपसे अच्छे से बनती है वो आप बना लेंगे। अब ये नीचे के कंपोजिशन के लिए फ्लावर सभी बच्चे बनाना जानते हैं, इस तरह से आप फ्लावर बना लीजिए जैसे हमने उसमें नीचे कलर किया था ट्राई कलर, वैसे ही यहाँ पर हम फ्लावर बनाकर अपना कंपोजिशन पूरा कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये पोस्टर ड्राइंग है बेटा, और पोस्टर में आपको पूरा अच्छी तरह से फिल करना होता है, बैकग्राउंड में भी कलर करना होता है, और जो हमारी मेन पिक्चर है उसमें भी कलर करना होता है, ठीक है? तभी ये पोस्टर आपका कंप्लीट होगा। तो इस तरह से नीचे सारे आप यहाँ फ्लावर बना लीजिए, छोटे बड़े, कहीं छोटे कहीं बड़े, इस तरह से फ्लावर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर इस पूरी पिक्चर पे हम स्केच कर लेंगे, स्केच करने के बाद फिर इसमें कलर करेंगे, ठीक है? तो पहले ये सारे फ्लावर ड्रॉ करते हैं और स्केच करते हैं। इस तरह से बेटा जो पूरी ड्राइंग थी हमारे, उसमें हमने स्केचिंग कर लिए, फ्लावर्स में भी कर लिए, और ये जो पिक्चर थी, फिगर था जो गांधी जी का, उसमें भी कर लिए। पूरा कंप्लीट हमारा ड्राइंग अभी हो चुका है, अब कलरिंग करेंगे।
तो कलर्स देखिए, फ्लावर्स में आप डिफरेंट कलर्स ले लीजिए, येलो ऑरेंज और रेड भी ले लीजिए, पिंक भी ले लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर आप बना दीजिए, ठीक है। और गांधी जी में वही हम करेंगे, लाइट ब्लू का यहाँ थोड़ा थोड़ा शेड देंगे, हल्का हल्का बिल्कुल, इसमें ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं करने हैं, ठीक है। और जो ऊपर हम लिखेंगे जय हिंद, उसमें हम वही अपने जो फ्लैग वाले कलर हैं उनके टू कलर्स ले लेंगे, ऑरेंज और ग्रीन, ठीक है। ये देखिए बस इतना सा कलर किया है हल्का हल्का, और इससे ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा यहाँ हेड में भी थोड़ा सा कर दीजिए बस, ये ऐसे ही रखना है हमें, ठीक है। और लाइट ब्लू शेड में, और फिर फ्लावर्स में कलर कर लेंगे सारा। और इस तरह से बेटा बैकग्राउंड में भी कलर कर लिया है, फ्लावर्स में हो गया, फ्लावर के साथ लीफ भी बनाई है, लीफ में कलर कर लिया, तो ये दो कलर शेड आप ले लीजिए। इसके अलावा आप कोई और कलर यूज़ करना चाहें तो वो भी कलर यूज़ कर सकते हैं बेटा, मेन हमारा है कि हमें पोस्टर बनाना है। और अब मैं आपको एक और दूसरे तरह के गांधी जी यहाँ पर बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसी तरह से शीट लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम फेस से स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए आप ऐसे थोड़ा सा ओवल शेप ले लेंगे फेस के लिए। पहले मैं हल्का हल्का ड्रॉ कर रही हूँ, जब फाइनल हो जाएगी ड्राइंग फिर मैं आपको स्केच करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो एक रफ स्केच हम निकाल रहे हैं फेस का, इस तरह से आप शेप ले लीजिए ओवल, और उसके बाद यहाँ साइड में ऐसे ईयर्स, गांधी जी के कान थोड़े बड़े थे तो हम यहाँ पर उसी तरह से ड्रॉ करेंगे, डिटेल ड्राइंग बाद में करेंगे बेटा, अभी एक रफ स्केच हम बना लेंगे। और जो मेन उनका करेक्टर है वो उनके चश्मे में था, चश्मा लगाते थे वो गोल, है ना। तो ये देखिए इस तरह से टू सर्कल्स बनाइए और ऐसे उनका चश्मा बन जाएगा यहाँ से, और बहुत इजीली आप इस तरह से गांधी जी की ड्राइंग बना सकते हैं। और अब बनाएंगे नोज थोड़ी सी ऐसे यहाँ से लाइन लेकर, और ऐसे फिर थोड़ा नीचे ऐसे गए हाथ को, और फिर ऐसे इस तरह से नोज़ बनाएंगे। और नोज़ के नीचे फिर क्या है, उनकी मूछें थी, तो मूछ में उनका यहाँ पर इस तरह से ड्राइंग लेंगे, थोड़ा यहाँ पे शार्प लेकर इस तरह से, मूछ बनेगी और उसके नीचे का ऐसे ये आ जाएगा शेप, ठीक है। और थोड़ा डिटेल कर लेंगे इसमें और अच्छी तरह से, ठुड्डी के पास थोड़ा कम करेंगे, पतली थी उनकी ठुड्डी, जो ये है चीक है जो उनका, चिन है जो उनका ये। अब इस तरफ हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर में ऐसे शॉल दिखाएंगे उनकी, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल थोड़ी सी लाइंस के साथ ये गांधी जी का आपका इस तरह से स्केच निकल आएगा। और इधर हाथ में उनके हम जो उनका ये है स्टिक है उसको बनाएंगे, और स्टिक के बाहर थोड़ा सा हैंड का पार्ट बनाएंगे बेटा, ज़्यादा नहीं दिखाना है हैंड यहाँ पर, थोड़ा सा बनाएंगे। और उसके लिए क्या करना है, ऐसे फिंगर, फिर एक फिंगर, फिर एक और इधर एक छोटी फिंगर, और इस तरफ से थंब का, ठीक है, इस तरह से ये हैंड की ड्राइंग हो जाएगी, और ये उनकी स्टिक है। अब ये तो गांधी जी का स्केच बना, अब इस कंपोजिशन को कैसे तैयार करेंगे पूरा,
तो कंपोजिशन के लिए यहाँ नीचे मैंने ऐसे शेप दे दिया है, जैसे हमारे मैप का नीचे का शेप होता है, भारत का मैप जो होता है, तो उसी तरह से थोड़ा सा ऐसे इस तरह से शेप ले लिया है ताकि इजीली आप कर सकें बेटा। और अब ये टू पार्ट्स में हमारी ड्राइंग डिवाइड हो गई, ऊपर आ गया है, नीचे आ गया। अब हम इसमें कलरिंग करेंगे, और कलरिंग क्योंकि फ्रीडम फाइटर का पोस्टर बना रहे हैं तो ध्यान रखेंगे हम, यहाँ पर नीचे ग्रीन लेंगे, ग्रीन के चाहे टू शेड्स ले लीजिए, और ऊपर येलो ऑरेंज, इन कलर्स का यूज़ करेंगे। और गांधी जी में हल्का लाइट ब्लू कलर करेंगे। कलर्स देख लेते हैं कौन कौन से करने हैं। ये लाइट ब्लू कलर लेंगे बेटा, और ऑरेंज, ग्रीन कलर, ठीक है। मतलब बेसिकली हम बेटा ये जो कलर कर रहे हैं ट्राई कलर, जो अपने फ्लैग वाले कलर होते हैं उनको ध्यान में रखकर ही अपने कंपोजिशन में कलरिंग करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो ड्राइंग हमारी फाइनल होगी है उसको अब हम स्केच कर लेंगे, सारी लाइंस को डार्क कर लेंगे और अपनी ड्राइंग पूरी अच्छी तरह से डिटेल कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें स्केच कर लेते हैं। तो इस तरह से ये स्केचिंग हो गई बेटा, अब हमारे कंपोजिशन में कलर करते हैं। और कलर जैसे सबसे पहले येलो से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, येलो कलर, और येलो के साथ फिर हम ऑरेंज मिक्स करेंगे। हम ट्राई कलर में करेंगे इस कंपोजिशन को। तो येलो पहले लाइट रखिए, येलो के साथ करिए, जो ये ऊपर का पार्ट है पहले येलो कर लीजिए। अच्छी तरह से कलर करेंगे। ये यहाँ तक बेटा सारा हम येलो और ऑरेंज से ही फिल करेंगे। अब ये येलो में ही ऑरेंज थोड़ा मिक्स करते हुए इस तरह से पूरा यहाँ बैकग्राउंड में कर लेंगे। इस तरह से बेटा ये ऑरेंज कलर हमने सारा यहाँ पर अच्छे से फिल कर लिया है इस पार्ट में ऊपर। अब हम नीचे ग्रीन कलर लेंगे, यहाँ सारा ऐसे ग्रीन करेंगे। पहले लाइन के साथ साथ कर लीजिए, उसके बाद इसमें डार्क ग्रीन भी मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और गांधी जी को अभी हम बाद में कलर करेंगे, पहले बैकग्राउंड कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे लाइन के साथ साथ आप करते जाएंगे यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर। पहले पूरी लाइंस के साथ ऐसे कर लेंगे और बाद में फिर हम थोड़ा इसमें डार्क ग्रीन टच करेंगे ताकि शेड आ जाए। ये ऐसे ऐसे राउंड राउंड करते हुए हाथ को इसी तरह से आप कलर चलाते जाएंगे और इस तरह से पूरा बैकग्राउंड फिल कर लेंगे ग्रीन कलर से। ये जो स्टिक है इसमें ब्लैक ही कर लेंगे, आप कलर से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्केच से ही इसको फिल कर रही हूँ। पतली है स्टिक इसलिए कलर बाहर ना आए। और अब हम गांधी जी के जो पिक्चर है इसमें बेटा हल्का ऐसे बहुत कम कम ऐसे लाइट ब्लू कलर आप करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का। देखिए कितना लाइट कर रही हूँ मैं, एक शेड बस ऐसे देना है आपने।
लाइट ब्लू का एक शेड बिल्कुल हल्का हल्का इसमें दिया है गांधी जी की पिक्चर में, और इस तरह से ये हमारा पूरा कंपोजिशन कंप्लीट होगा। तो बहुत सिंपल ये आपको बताया है मैंने, सिर्फ गांधी जी का फेस आपको बनाना है और उसके बाद ये उनकी जो शॉल है वो, और दो यहाँ शेड देने हैं कलर के, जिससे आपका ये पूरा पोस्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ड्रॉ करिए बेटा और कलर करिए, अच्छी तरह से तैयार करिए। इस तरह से बेटा यहाँ हमने अपने टॉपिक पर दो पोस्टर तैयार किए हैं, दो पोस्टर सीखे आपने बच्चों, एक ये वाला और एक जो हमने पहले बनाया था ये वाला पोस्टर, है ना। और इसमें ऊपर यहाँ पर ऐसे हेडिंग भी दे दी है, जय हिंद लिखा हुआ है, तो आप भी इस तरह से कुछ कोट कर दीजिए यहाँ पर, लिख दीजिए और अपने पोस्टर को सुंदर बनाइए। दो तरह के ये पोस्टर हैं और दोनों ही बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताए हैं। तो जो भी बेटा आपको अच्छा लगता है और आप जिसे अच्छी तरह से बना सकते हैं उस पोस्टर को आप तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।